नमस्कार, मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब हम बात करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के साक्षी घाट पर दो भाई गंगा जी नहाने पहुंचे थे, इसमें अचानक से बड़े भाई को डूबते देख छोटे भाई ने भी गंगा में छलांग लगा दी और दोनों गंगा में डूब गए। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदे में निवासी अपने घर के पास खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक तेंदुए ने युवक के हाथ पर हमला कर दिया। पुष्कर सिंह धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही रानीखेत के रोडवेज डिपो को भवाली डिपो में विलय कर दिया गया। रामनगर डिपो के नाम से जाना जाएगा रानीखेत और भवाली का रोडवेज डिपो। बीजेपी का आज 42वां स्थापना दिवस है, भाजपा प्रदेश कार्यालय पर किया गया बीजेपी पार्टी का झंडा आरोहण। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन मंत्री अजय कुमार ने भी किया झंडा आरोहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के शुरुआती संघर्ष के बारे में जनता को जानकारी दी। उत्तराखंड में सभी मंडलों पर स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनाया गया। गदरपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता पी सिंह ने नरसिंह की किताब में दहेज के फायदों पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है, कहा कि यह पाठ किताब से जल्द हटाया जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार में गणेश जोशी ने जगत गुरु शंकराचार्य राज राजेश्वरानंद और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से मुलाकात की। चैत नवरात्रि का आज 5वां दिन है। आज के दिन की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की भी पूजा की जाती है। लक्सर में लेखपाल संघ की उपशाखा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह पिछले साल सेवानिवृत्त हो गए थे, इसके बाद से उपशाखा में अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। संघ की जिला इकाई ने उपशाखा की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी। पिथौरागढ़ जनपद की सीमा व्यास घाटी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर बहने वाली कुटियांती नदी पर भी अब सैलानी राफ्टिंग के साथ साहसिक खेलों का लुत्फ उठा सकेंगे।